अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए और हमेशा खुश रहा करें। आपको खुश रखने के लिए हम लोग दुनिया में आए हैं। हमारा कोई और मकसद नहीं, मकसद है आपके गमों को चुराना, आपके लबों पे कह बिखेरना, ये हमारा काम है। कोशिश करेंगे कि आज भी एक अच्छा शो आपके सामने करें। आप हमारी बहुत सारी बातों को पसंद करते हैं, आपके ईमेल मिलती हैं, चैनल पे आपके खतूत आते हैं, आपके एसएमएस आते हैं, बहुत सारे लोगों के पास मेरा ज़ाती नंबर है, उस पे आप अप्रिशिएट करते हैं, इस शो को आप पसंद कर रहे हैं, इसका मैं पर्सनली हर जगह शुक्रिया करता हूं और यहां भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं आप लोगों का। कि आज हमारे मेहमान कौन हैं? दोनों ऐसे फनकार हैं, एक को तो वक्त ने, खुद ब खुद वक्त ने, वक्त करता है ये कि इंसान को एक डिपार्टमेंट से निकालता है, एक फील्ड से निकालता है और दूसरी फील्ड की तपती हुई भट्टी में डाल देता है और वहाँ से वो कुंदन बन के निकलते निकलते सारे मीडिया के फील्ड कवर कर लेता है और इस तरह वो एक ऐसा फनकार बन जाता है जिस पे मुल्क के लोग और दुनिया में तमाम लोग उसके टैलेंट पे फख्र करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का टैलेंट है जो कहीं हार नहीं मान सकता। अब मैं जिस फनकार का जिक्र कर रहा हूँ वो आपको बता दें, टेलीविजन के ऊपर उन्होंने बड़ी शुरू में ही ऐसी तारीखी ड्रामा सीरीज की है, सीरियल की है कि जो अनमिट हैं, उनके किरदार उसमें अनमिट नकूश छोड़े हैं उन्होंने। बेहतरीन फनकार है, फिल्म में गए, फिल्म में उन्होंने तहलका मचा दिया पहली फिल्म से और उन्होंने वो परफॉर्मेंस की है और इतनी बड़ी तादाद में फिल्में की हैं, वो तकरीबन 800-900 फिल्मों में एज ए हीरो आए हैं। और खुद मैं कहता हूँ, आदमी खुद कहे कुछ नहीं, कोई दूसरा कहे तब बात, बड़े प्यारे, बड़े अच्छे दिल के, बड़े बाअदब, बड़ी खूबसूरत शक्ल, बेशुमार हीरोइन उन पर फिदा हुई, मरी, जिंदा हुई, अब तक जिंदा है। इन्होंने भी कहा होगा किसी से कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा, लेकिन ये भी जिंदा है। जिंदा तो रहना ही पड़ता है क्योंकि ज़िंदगी तो एक अल्लाह की दी हुई अमानत है, तो उसी को लौटानी है। लेकिन उसके साथ एक और ऐसी फनकारा जिसका ताल्लुक एक ऐसे फनकार थे, उसने और मैंने थिएटर साथ किया, टीवी किया, फिल्में साथ की, वो हिंदुस्तान फिल्मों में गया और लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। वो बेहतरीन दोस्त है, बहुत अच्छा बाप है, बहुत अच्छा शौहर है और बहुत अच्छा वतन परस्त है। कहीं भी काम कर गया है, सांस वो इसी ज़मीन पे लेता है जिस पे उसने जन्म लिया है। लातादास सलाहियतों के मालिक, बेशुमार खूबियों के मालिक, आपकी पुरजोर तालियों में फिल्म स्टार बाबर आली।
श्यामजीत सर और इनके साथ मैं दावत दूंगा हमारे जावेद शेख साहब के घर से एक फन का चिराग रोशन हुआ है, वो रोशनी लेके इस स्टेज पर इस शो में आ जाएं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मोमल शेख। तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। आप कब पैदा हुए और वजह पैदाइश क्या है? वजह दुनिया में आने की, अब्बा ने अम्मा से निकाह किया तो फिर जाहिर है मुझे आना पड़ा। अब ये हमारे मुल्क में, बाहर मुल्कों में तो ये है ही नहीं, शादी के बाद बच्चे पैदा होते हैं। बाबर साहब, आप मोमल, आप बहुत बहुत, आपको मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत मोहब्बत और प्यार यही मेरे पास है, थोड़ा सा ही बचा है, इतना तकसीम किया है कि खुद अपने लिए अब कम पड़ने लगा है। पूरी टीम हमारे साथ है, सारे लोग, और ये सब आपके लिए आए। आपके वाले साहब और मैं तो एक दुनिया खंगाल चुके हैं दोनों। बिल्कुल जी। और उन्होंने, मैंने तकरीबन 3 फील्ड में एक साथ काम किया, बहुत, थिएटर में, टेलीविज़न पे, फिल्म में, लेकिन टेलीविज़न उसने ज़्यादा किया, मैं थिएटर में चला गया ज़्यादा। और बाबर साहब के साथ इत्तेफाक से मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन इनका जितना काम देखा है बहुत दिल खुश हुआ है। बड़ी बारीकी से एक एक आँख का जज, हल्का हल्का सा भी जो है ना, ये टच देते हैं। ऐसे ऐसे फनकार हमें चाहिए कि इनको हम संभाल के रखें। बेशक। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, आप कब पैदा हुए और वजह पैदाइश क्या है? दरअसल शुक्रिया पहले तो आपके उमर भाई इतने खूबसूरत अल्फाजों का। नहीं नहीं, मेरा फर्ज है। नहीं, आपने वाकई में मेरे पास तो, मैं खुद 6-7 साल से कोशिश कर रहा हूँ होस्टिंग की, लेकिन ऐसे ऐसे अल्फाज मैं कभी तलाश नहीं कर सका जो जिस तरह आप अदायगी करते हैं। मैं तो दिल से ला रहा हूँ, आप तो तलाश करते हैं। मुझे ऐसे मैं दिल से, दिल मेरे दिल में आपके थैंक यू सो मच प्यार है, वो ही मेरा है। वजह दुनिया में आने की, अब्बा ने अम्मा से निकाह किया तो फिर जाहिर है मुझे आना पड़ा। अब ये हमारे मुल्क में, बाहर मुल्कों में तो ये है ही नहीं, शादी के बाद बच्चे पैदा होते हैं। वो बोलते हैं यार, अब अच्छे दोस्त हो गए, अब शादी भी कर ले। उनका, उनकी फिलॉसफी है। सही बात। हमारी ये है कि हम इसको इस्लामी तरीके में ढाल गए माशाल्लाह, और फिर वो बाबर के तरीके से हमारा होता। बहरहाल, स्टार क्या है आप जी? साइन क्या है आपका स्टार? टोरियन कहते हैं, टॉरस।
टॉरस है, बोल दो दो टॉरस है फिर तो। अच्छा दो हैं, अच्छा मोमल भी टॉरस है। यस अच्छा चले तो टॉरस जो है ना वो माधुरी दीक्षित का भी स्टार है। अच्छा ये नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा मेरी और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। सेम है जी, वो मई में पैदा हुई है। मई 15th। मैं भाईजान थोड़ा सा इख्तलाफात है, मम्मी से सब पूछते हैं आपने छुट्टी नहीं की, मैं फर्स्ट मई में हूँ। लेबर डे, लेबर डे, लेबर डे, तब से काम कर रहा हूँ। तब से काम कर रहे हैं, तब से काम कर रहे हैं। बाबर साहब मैं भी आपसे कुछ कहना चाहूंगी, आप मेरे फेवरेट एक्टर हैं और माशाल्लाह जब आप हीरो आए तो वाकई आप हीरो लगे और जब आपने विलन बने तो आप विलन लगे। थैंक यू। आपको खुद को क्या अच्छा लगा कि हीरो ज्यादा पॉपुलर होता है या विलन आपको रोल अच्छे लगे कि मैं विलन आऊं? आपको खुद का क्या इंटरेस्ट है? सच पूछिए तो हालात ने विलन बनाया। अच्छा मैं हीरो ही था। अच्छा नहीं लेकिन एक, हाँ उमर भाई को पता है इंडस्ट्री के, यहाँ बैठे हुए मैं कहूँगा ऐसा नहीं, उनको वो कहते नहीं, हैं ना इनकी तो इतने रास्ते रोके गए हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे इस है। इसके अंदर वेरिएशन इतना था, वैरायटी इतनी थी कि ये उनसे दब ना सका, चाह बहुत लेकिन यहाँ से दबाया वहाँ से आ गया वहाँ से वहाँ आ गया। तुमने जी तुम कितने मुजाहिद मारोगे, हर घर से मुजाहिद, बेशक ये उस मिसाल में चला गया। अब ये बाबर का टैलेंट है कि ये इसने अपने आप, और आर्टिस्ट को ऐसे ही होना चाहिए, ये नहीं तो वो फील्ड, वो नहीं तो ये फील्ड, फिर उसको वो इतना वेरिएट कहा। जावेद ने क्या किया जी? जावेद को देखें आप, वो शाहरुख तक पहुंच गया जी, दबे पाँव पता नहीं चलने दिया किसी को, खामोशी से आया वो फिल्म में टाक करके, और आया भी इतने बड़े स्टार के साथ जिसको लोग देखने ही तानना करते हैं। जावेद आ गया उसको तो आप में बेइंतहास चला देते हैं जो मैंने देखा, और आपका कोई सही इस्तेमाल हो गया ना जिस दिन, जो हुआ था आपका शुरू में सईद नूर आपको अच्छे इस्तेमाल किया था जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो फिर हो गया ना तो आप मतलब नकुच तो अभी भी आपके हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन फिर आप अमर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप में है कम, थैंक यू सो मच। ये तो मेरी एक रिश्ते में समझो भतीजी है मेरी बिल्कुल, और इसके अब्बा की भी शादी नहीं हुई थी, मेरी भी नहीं हुई थी, तब हम दोनों थिएटर करते थे। अच्छा। और फिर मैं थिएटर की तरफ मुकम्मल चला गया तो इनके वाले साहब टीवी की तरफ चले गए, फिर उन्होंने फिल्म की धमाका, तब हमने मुबारकबाद दी फिल्म फेल होने की। हमने कहा यार ये अब ये नहीं जाएगा फिल्मों वेलों में, हमारे पास ही रहेगा, लेकिन वो इधर उधर से फिर किसी फिल्म में घुस गया। सही बात। और जावेद भी एक इंतहाई मेहनती इंसान है जी, बिल्कुल बड़ी मेहनत करी। मोमल आपने भी तो इंडिया में जाके फिल्म की, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ की लड़कियाँ काफी जेलिस हो गई होंगी कि कौन पाकिस्तान से लड़की आ गई। नहीं ऐसा कोई जेलसी वाला वो माहौल नहीं था, फिर भी एक होता तो होगा ना कि यार ये पाकिस्तान से लाके हीरोइन बिठा दी हमारे ऊपर। प्राउड फील कर रहे थे बिकॉज हमारे टैलेंट को बहुत अच्छा समझा जाता है, और जो उनके एक्टर्स हैं वो भी उसी हिसाब से, जेलसी वाला कुछ सीन नहीं था। जेलसी असल में वो करते नहीं है, हाँ हम लोग जेलसी करते हैं, जो जबानी होती है मैं उनकी समझ नहीं आ, दफा कर मेरे नाल जिक्र ना कर, हमारा इतना इतना हमारी जेलसी यहाँ तक है बस, वो मंसूबाबंदी करते हैं, प्लान करते हैं, प्लान करते हैं कि जेलसी को बिल्कुल प्लान करते हैं, उसको एक्ट करते हैं, उस पर अमल करके बंदे को खराब करते हैं। सही। मैं तो उसकी जिंदा मिसाल बैठा हूँ, मतलब पता नहीं कितनी फिल्में लिख रहा था वहाँ, तो राइटर एसोसिएशन तो डायरेक्टर एसोसिएशन एक्टर एसोसिएशन सारी निकलाई वहाँ। तो मैंने कहा भाई आप जो मर्जी करें, आप नहीं करना चाहते ना करें, मैं तो बगैर फिल्म के भी जिंदा हूँ और फिर भी रहूँगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सियासतदान हमारे पास बेशुमार सियासतदान, काफी ज्यादा, हम चाहें तो दूसरे मुल्कों को भी दे सकते हैं। जानू सुन जरा पलके तो उठा, आँखों में बसा लूं तुझे अपना बना लूं तुझे, आ मेरे पास आ। बाबर ये बताइए आप खुद को कहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं, टीवी पे, फिल्म में,
उमर भाई अभी उससे पहले उन्होंने एक सवाल भी किया था, बीच में रह गया था। ज़ाहिर है टीवी मैंने स्टार्ट किया कासिम जलाली साहब, हैदर इमाम साहब मेरे उस्तादों में, टेलीविज़न करके ही मुझे फिर सैयद नूर साहब को मुझे कॉल किया, मैं फिल्म में आया। विलन की पहले मैं बात मुकम्मल कर दूँ, विलन मैं बनना नहीं चाह रहा था। एक हादसा हुआ कराची में गडानी में, एक अभी कुछ दिनों पहले हुआ, एक हादसा मेरे साथ हुआ था कोई 14 साल पहले, मैं ऊपर से नीचे गिर गया था, मेरी टांग की हड्डियाँ टूट गई। और आपको पता है कि जब यहाँ वो लंगड़ा घोड़ा कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में ना, वहाँ एक लफ्ज़, वो मुझे एक रात में 60 से 70 फिल्में थी कोई इसके बीच में, एक रात में सब ने इरादा किया, सब इकट्ठे हुए कि अब ये इस काबिल नहीं रहा, इससे फिल्म्स वापस ले लो। तो मुझे कुछ एडवांसेस भी वापस करने पड़े, 15 से 20 दिन अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ रेस्ट देना था, इससे ज़्यादा मेरे नसीब में रेस्ट था भी नहीं। तो जब मुझे रेस्ट मिला तो मुझे आज भी याद है, तो उस मेरे वालदैन की मेरे साथ, मैं आज भी अल्लाह के बाद अगर कोई शुक्रगुजार हूँ, और आप जानते हैं इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह, फ़्लाइट में अक्सर उमर भाई से मेरी मुलाकात रहती है। अच्छा, और इन जैसी मोहब्बत करने वाला, ये जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उतने बड़े इंसान भी हैं, बेशक और प्यार करने वाले हैं। तो मेरी वालदैन मेरे लिए दुआएं कर रहे थे कि कुछ ना कुछ मसला हल हो बच्चे का, ज़ाहिर है माँ बाप से ज़्यादा। तो वो उस वक्त मुझे एक ऐसा रोल ऑफ़र किया गया, आपने बूम देखा उमर भाई, आपको पता है आप टॉप पर हों और आपको कहा जाए कि जी आप सामने शान हैं, मीरा हैं जो आपकी हीरोइन है, रीमा जो आपकी हीरोइन है, और पूरी सना जितनी भी हैं आप उनके सामने विलन हैं, और आपके सिर्फ 4 सीन हैं। तो मैं, मेरे पास काम नहीं था, मुझे काम एक्सेप्ट करना उस वक्त, मुझे मैं चाह रहा था, बहुत कहना आसान है उसका जो गुजरती है। जी हाँ, तो पहले मोमी और साइमा भी थे, एक पंजाबी फिल्म थी मेहंदी वाले हाथ, उसमें खैर घोड़े पे गाना बड़ा जालमाना ही पहले करा दिया, पलका था चिमटा बजा के तेरे नाल मोहब्बत, मैं लुटी गई, ये तो नहीं पता कब लुटी गई लेकिन लुटी गई वो था गाना ऐसा वो गाना भी हुआ। अब मुझे समझ ना आया मैं किस किस्म का विलन हूँ, मैं तो इधर से मुझे ऑफर आ गई, खलील रहमान ने लिखा घर कब आओगे, हाँ। 4 सीन थे उमर भाई, आपको बिजनेस फिल्म का पता है, बस लोग जब बाहर निकले वो 4 सीन मशहूर फिल्म थी घर कब आओगे, जी घर कब आओगे, और मैंने इस पे ड्रामा भी हमने उन्हीं दिनों किया स्टेज पे, घर कब जाओगे। अच्छा, वो दोनों ही अल्लाह ने इज्जत दे दी थी, बिल्कुल वहाँ से इज्जत मिली। फिर वो अल्लाह का शुक्र है जो उस वक्त फिल्म के जो हीरोज थे वो नहीं वो ले रहे थे, मैं एज अ विलन ज्यादा ले रहा था। वाह वाह, मैंने कहा ना आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप चेंज कर सकें, आपने वो दिया, आप में वो भी था, हीरो भी है, वो भी है, आप में सब कुछ है, आप एक एक पूरा मुकम्मल पैकेज है फिल्म का, एक्टिंग का। थैंक यू, आपके अंदर वो नहीं है कि बनावट, मैं सारे हीरोज के साथ भुगता बैठा, ये मुझे नहीं लगता आपके अंदर कोई बनावट वनावट नहीं, आपको जो है वो है, और ऐसे ऐसे ही इसका अब्बा, उसका अब्बा तो मेरा क्या बात है? शिकार है वो, तो आया था इस प्रोग्राम में भी, सही बात है, और ऐसा बैठा हुआ था चुपचाप, हाँ वो ऐसे से कर रहा था वो बात हो, ये नहीं वो बात, हमारी बातें हैं, हमारी इतनी बातें, सही बात है, अगर हम खोल के बैठ जाए सही बात, हम रुसवा और बदनाम हो जाए। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ नायाब नायाब लोग पैदा हुए, बेशक बेशक, नो डाउट, दिलीप कुमार भी यहीं पैदा हुआ, क्या बात है, पेशावर में, बेशक, दिलीप साहब जैसे फनकार कहाँ पैदा हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तलत हुसैन, क्या बात है, बिल्कुल, आप देखिए या नसीरुद्दीन शाह या नदीम या मोहम्मद अली, ये सब लोग देखिए आप, ये लोग अब नहीं हो सकते, अब इनसे अच्छे पैदा होंगे, क्योंकि अल्लाह यही दिखाता है कि तुम मुझे ये मत समझो कि यहीं तक हूँ, नहीं इससे आगे भी है, सुभान अल्लाह, इससे आगे भी है मेरे पास, अब देखिए ना एक ही घर के अंदर 10 बच्चे पैदा हो जाए, हर एक बच्चे की शक्ल मुख्तलिफ है, ये अल्लाह है, बेशक, इतनी वैरायटी है उसके पास कि आज भी पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी शक्ल सूरत दांत कान सब अलग है, सही। दुनिया के रिंदा तो रब ताला ये वाह इतनी वैरायटी है, और हम मैं ये खुश होता हूँ कि पाकिस्तान के पास उसमें से कितनी पाकिस्तान के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क भरा हुआ है हर किस्म के टैलेंट से, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सियासतदान हमारे पास बेशुमार
सियासतदान काफी ज्यादा, हम चाहें तो दूसरे मुल्कों को भी दे सकते हैं। कहीं आग ना लगती हो, झगड़े ना होते हो, हड़तालें ना होती हो, आप हमसे हमारे सियासतदान लीजिए और अपने मुल्क में ये सब चीजें फैलाइए। ये हमारे मुल्क में उधार लेकर वापस ना करने वाले, अगर आपको चाहिए हो तो आप पाकिस्तान में रब्ता कायम करें, कंपनियां बनाई हुई है, उधार ले ले और वापस लेके दिखाए को माइक से। पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है और ऐसा भी टैलेंट है जिस टैलेंट का नाम अब्दुल सत्तार ईदी है, ऐसा भी टैलेंट। मेरा अब्दुल सत्तार ईदी जो पूरी दुनिया में मोहब्बत तकसीम करता गया और उसने अपने लिए कब्र की ज़मीन वो पसंद की जहाँ वो खुद लावारिस लोगों को दफन किया करता था, उस जगह पे उसकी कब्र। तो जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक है उस मुल्क के ये तो टैलेंट हैं और ये उस मुल्क के अच्छे लोग भी हर जगह होते हैं, बुरे भी होते हैं, थोड़े बुरे भी होते हैं, थोड़े अच्छे भी होते हैं, ऐसा इंडस्ट्री का हाल है। लेकिन एक चीज़ बाबर जो दिल में एक बेचैनी लाती है, आपके भी मेरे भी, मगर हम सब उस पर मजबूर हैं। अगर मैं इस लम्हे में कहीं मेरी आंख से कोई आंसू टपक जाए, समझिएगा मेरी रगों में से कोई खून की बूंद खींच कर मेरी आंखों में आ गई है, क्योंकि अब जो मैं कहने लगा हूं वो लम्हा फिक्रिया है। माजरत के साथ विद एक्सक्यूज, मेरी मजबूरी है, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, अभी ब्रेक से वापस। मैंने जब पहला सीन किया फिल्म में वो शादी की रात और घूंघट उठा रहा हूँ और 500 आदमी आगे खड़े हुए। नीली बेगम भी थी, आपने अभी जावेद शेख साहब का जिक्र किया, उनके साथ भी एज ए हीरो। अच्छा, आपने नीली को फट जावेद के साथ जोड़ा? नहीं जोड़ा नहीं, ना ना ना, ना, ना। और अपने अपने आप को आपने आप सैंडविच बनने जा रहे थे रेशम और रीमा के बीच में, तो आपने अपने आप को यूं करके निकाल लिया। नहीं नहीं मैं ना, ये ना करो, चला बन गया। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पर जब हम गए थे तो हमारे साथ यही दोनों थे और वापस आए तो वही दोनों। अब आज समझ जाए हमारे पास तीसरा मेहमान नहीं है, क्योंकि हमारे शो का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल, दो गेस्ट और हम, तीन और पांच म्यूजिक वाले। बिल्कुल, और ये ऐसा ऐसा खूबसूरत गाना बजाते हैं। हाँ, मुझे अंदाजा हो गया था। जानू सुन जरा। अच्छा भाई, आप जानू सुन जरा, जरा धीमे म्यूजिक में, डोल डप्पा का कम करके बेटा है। बकाट कॉट जानू सुन जरा, पल के तो उठा, जानू सुन जरा, पल के तो उठा, आँखों में बसा लूँ तुझे, अपना बना लूँ तुझे, आ मेरे पास आ। वाह वाह वाह, तालियां लगे आले, जबरदस्त। सज्जाद अली के भाई लगे आले। सज्जाद अली का भाई है। अच्छा, जो गा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। वो शक्ल भी मिल रही है आपकी। दोनों भी मिलते हैं आपस में कभी। यस। मुझे मालूम है। वो तो मुल्क से बाहर। वो रहते हैं दुबई में। दुबई में, जी जी। दुबई में रहते हैं और ये यहाँ रहते हैं। अच्छा।
तो ये जाते रहते हैं माशाल्लाह अमेरिका लंदन दुबई जबरदस्त बहुत परफॉर्मेंस करता है माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज है अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत अच्छा जी भाई आप एक बात बताइए जी जी जब आपने पहली दफा रोमांटिक डायलॉग बोला वो लड़की कौन थी नहीं लड़की कौन थी ऑफ स्क्रीन या ऑफ फंस गए स्क्रीन क्या गया आप कह रहे नहीं नहीं मैं ऑफ स्क्रीन की बात रिहर्सल आपकी पहली नाम सोच समझ के बोलिए नाम याद नहीं नाम याद नहीं वो भी देख रही होगी और बीवी भी देख रही होगी एक्चुअली ये अजीब सी बात लगेगी अजीब सी नहीं क्यों लगेगी नहीं लेकिन जो कहने लगा खुद ऐसा कर चुके हैं जी लेकिन आपको अजीब सी लगेगी मुझे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी सामने से ही रोमांटिक मैंने नहीं करनी पड़ेगी हम टोटली बिलीव भी करते हैं ये हुआ होगा 100% मैं ये इसी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ नहीं जब फिल्म में आए और शॉट हो रहा है कैमरा है क्योंकि लोगों के जहन में यही कॉन्सेप्ट है कि जब ये रोमांटिक सीन हो रहा पता नहीं कोई होता नहीं होता ये लोग खुद ही कैमरा चला के खुद ही कर ले अब मैं अदा के मैंने जब पहला सीन किया फिल्म में जी जी जी। वो शादी की रात और घूंघट उठा रहा हूँ और 500 आदमी आगे खड़े तो मैं एक शादी का सीन लेके कैरी कर रहा था कि यार क्या अच्छा लग रहा है देखो तो मैंने जिंदगी में बोला अबे सबसे बुरा सीन ही होता है अब मेरी बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि मैं पहली फिल्म जीवा टर्की में रेशम के बाल बन रहे थे तो रेशम थोड़ी लेट थी और मुझे पता नहीं था फिल्म की टेक्निक उमर भाई मैं टेलीविजन एंगल इधर है और इधर हीरोइन खुदा न खास्ता पप्पू सम्राट होगी तो पप्पू सम्राट हमारे डांस डायरेक्टर हैं बड़े मशहूर हैं तो बस उनको दिल तो करता नहीं ऐसा कोई जुमला उनको बोलूं लेकिन उनको मैं कह रहा था तो मेरी पहली हीरोइन पप्पू सम्राट थी पहला फिक्र उनको मैंने बोला था वही वही कुर्बान लाला तुम पर फिदा हो गया वो एक्सप्रेशन पप्पू को छोड़ पप्पू का नाम तो मैंने रखा रेलसल उसका नाम हीरोइन नहीं है रेलसल है लेकिन बहुत टैलेंटेड आदमी पप्पू के लिए तालियां वो नहीं जिंदा हीरोइन है वो फिर लाइनें लग गई ना और भाई वो तो फिर क्या शोल्डर अच्छा वो नंबर वन जिसको पहली बार बोला टेलीविजन पर बोला था वो सानिया सईद थी नहीं यार वो तो अच्छा चले और आगे आ जाते हैं मिशी खान भी रही हैं छोड़ो फदीला काजी भी रही हैं नहीं जिन्हें आपको रोमांटिक सीन में रोमांटिक जुमले बोलते हुए आपको अच्छा लगा कि यार मैं इसको सही बोल रहा हूँ ये तो घरेलू बात दिल से बोल रहा हूँ मतलब आपको सही से मुराद ये अच्छा नहीं मैं नहीं आप दिल की बात नहीं कर मैं आपकी घबराहट की बात कर रहा हूँ कि आप ये सोच के कि यार इतने लोग खड़े हैं वो छोड़ दें और आप कह रहे हैं कि कितनी प्यारी लगे ये बात करते हुए दिल को क्या हुआ पहली दफा कौन था वो नहीं उस तरह तो मुझे अफसोस हुआ जिनको मैं कह रहा था कि आई लव यू कहना किसी और को था कहना उनको गया खूबसूरत चेहरे थे उस वक्त सारी हसीन थी किसी को ये नहीं कहते कि वो कम थी रेशम भी थी रीमा भी थी नीली बेगम भी थी आपने अभी जावेद शेख साहब का जिक्र किया उनके साथ भी एज ए हीरो अच्छा आपने नीली को फट जावेद के साथ जोड़ा नहीं जोड़ा नहीं ना, 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 ना। और अपने अपने आप को अपने आप सैंडविच बनने जा रहे थे रेशम और रीमा के बीच में तो आपने अपने आप को यूं करके निकाल लिया नहीं नहीं मैं ना ये ना करो चला माइनिस बन गया था मैं तो मैं निकल गया कहीं साइड में तो वो काफी झगड़े हुए हैं वैसे दोनों उसके अलावा भी आप मुझसे ज्यादा उमर भाई ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइंस के झगड़े देखे हुए और मेरे ख्याल से इस वक्त जो WWF में वो बहुत पहले हम देख चुके हैं मैं और आप लाइव देख चुके अच्छा ये सुनने को हमें बड़ा मिला है मैं नाम नहीं लेंगे नहीं लेकिन मुझे आपके साथ रीमा बहुत अच्छी लगती है अच्छा ये तो सब बताएंगे ना कौन अच्छा लगता है रीमा रीमा लेकिन अब उसकी शादी हो गई है अब मेरा ख्याल है हमें ये बात नहीं करनी तो मेरा ख्याल है शादी तो इनकी भी हो गई नहीं नहीं इनकी तो हो गई है मर्दों को चलो फिर मार्जिन होता है लेकिन जिंदगी शुरू हो गई है बच्चा बेबी ये सब है तो टच नहीं वो अब छोड़ दे वो अब तो कर ले
मैंने अल्लाह यार कानों का अल्लाह हाँ सही बात है अल्लाह माफ अल्लाह अल्लाह माफ सही बात ठीक अच्छा हो गया सबने बहुत अच्छा आपने कई हीरोइन को देखा जी आपको कहीं उन पे अम्मी होने का शुभ हुआ बिल्कुल भी नहीं किसी भी खातून पे अम्मी होने नॉट एट ऑल मैं बाबा के बचपन से ना उनसे शादी हुई थी उनकी बचपन से शादी हुई जावेद पोजेसिव बहुत थी मैं पोजेसिव बाबा के लिए ना मैं काफी पोजेसिव होती थी अच्छा तो आप कह सकते हैं कि जब भी कोई सीन भी होता था अपार्ट फ्रॉम उनकी लाइफ बट जनरली वो अगर आप शॉर्ट में भी होते थे तो मेरा ये होता था क्यों बोल रहे हैं उनको आई लव यू लाइक क्या है उसको समझ नहीं थी ना कि व्हाट एक्चुअली इज ऑल अबाउट ये बड़ा अच्छा लगा तो मुझे वो होता था बड़ा और फिर मैं बाबा को खींच के ना उनके जाके जानबूझ के जब सेट्स पे जाती थी मैं किधर आए ना बाबा उधर क्यों उधर अभी अभी नहीं करना आपने सीन अभी मेरे साथ बैठे हैं आप वो वाली पोजेसिवनेस थी मेरी उनसे वाह वाह तो वो फिर बाद में पता चला इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग अच्छा पता है आपके बाबा की मंगनी में मैं था जी उसकी मंगनी हुई पीसी में जी बिल्कुल सही बात है बड़े मुतासिर हैं वो शुरू से ही पीसी से नहीं 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 वो बड़े मंगनी और शादी में किसी और की भी हो ये दूल्हा की तरह तैयार होके जाएगा वो ये रखता है एक चांस के सही बात क्या खबर दूल्हा लड़ पड़े कुछ हो जाए सही बात अपने आप को एक सिचुएशन में लेके जाता है सही बिल्कुल अच्छा मोमल आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज दोनों तो आपने पहले लव हुआ फिर माँ बाप को बताया मेरे हस्बैंड को मैं पसंद थी हाँ. तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हाँ. आपका प्लान है शादी का हाँ. तो मैंने कहा कि आप डायरेक्ट मेरी अम्मी से बात करेंगे हाँ. आप अपनी अम्मी को मेरी अम्मी से मिलवाएंगे हाँ. तो वो कुछ ऐसा हुआ कि झटपट अम्मी ने बाबा को बताया बाबा ने शहजाद ये डिस्कशन हुई घर पे एंड इसी तरह उनकी नादिर की फैमिली में भी यही डिस्कशन हुई बस एक छोटा सा शर्त रखी थी उनके फादर ने मेरे ससुर जी ने कि जब तक वो जॉब नहीं करें बिकॉज ही वॉज इन हिज यूनिवर्सिटी तो तब तक हम रिश्ता लेके नहीं जा सकते तो काफ़ी 4-5 महीने मेहनत की उन्होंने जल्दी से जॉब ली तो जब जॉब मिल गई तो रिश्ता लेके आ गए एंड दैट्स इट कोई वो हुआ ही नहीं ना उमर भाई वो जो होता है ना कि लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़ा कोई बोले नहीं ये शादी नहीं हो सकती मैं उस चीज का वेट कर रही थी पर कुछ हुआ ही नहीं सबने अल्लाह ना करे कभी हो नहीं बिल्कुल ना हो अल्लाह ना करे बट वो छोटा मोटा जो होता है ना जो आप वो आप चाहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से फ्राइडे सैटरडे हो जाए ऐसा आप चाहती लेकिन अगर आप मेरे दिल की आवाज सुने तो खुदा आपको कभी कोई दुख ना दे ये मेरे अंदर की दुआ है ये मेरी दुआ है और ये हमेशा पूरी होगी इंशाल्लाह जी बिल्कुल यकीन करना तुम्हें कभी कोई दुख नहीं मिलेगा खुश रहोगी इंशाल्लाह तुम वाले जैसे भी मिल गए इसमें मैं अब कुछ नहीं करता हमें उनसे फिर भी बहुत मोहब्बत अब बात क्या है भाई हीरो साहब सर हिंदुस्तान पाकिस्तान हमेशा यही जगह रहेगा और हमेशा से है बेशक लेकिन मैं हिंदुस्तान में भी देखता हूँ पाकिस्तान में भी देखता हूँ टाइप ऑफ एक्टिंग को भी देखता हूँ थोड़ा सा समझ भी जाता हूँ मैं समझता हूँ कि नदीम साहब वहीद मुराद मोहम्मद अली और शान ओह यस और आप हो गए बिल्कुल आप लोगों ने मेरा ख्याल है जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना उसमें आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे हैं कि इतना आपने पहली परफॉर्मेंस में बताया कि यार आपकी मेरी मुलाकात भी हुई थी आप रीमा के ही साथ शो में आए थे मेरे जी हाँ वो बड़ा याद है आपको याद है वो शो में रीमा ने मुझे मिलाया फिर आपसे कि ये बाबर अली है उस वक्त आपके लंबे लंबे बाल थे मैं आपकी कथा करामी एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ मुलाकात से मुझे मैं इनके शो में बैठा हुआ हूँ जी कॉलेज के दौर में मैं चूँकि कराची से ही बेसिकली मैं सियालकोट से हूँ चिट्टी शेखा मेरे वाले साहब वहीं के हैं मेरी पैदाइश हुई फिर कराची आ गए तो मुझे याद है कि यहाँ जैनब मार्केट के करीब आप शो करते थे और वो शो होता था जिसकी और रियो हाँ जी बिल्कुल दोल रियो 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 तो वहाँ आए थे आप जी मैं
मैं कैसे आया मैं वो बताने लगा आपको. कोई दो हफ्ते मैं वापस जा रहा था, टिकट नहीं मिलती थी. दो हफ्ते वापस जा रहा था. अल्लाह ने आपको इतनी आज भी इतनी इज्जत दी है. तो फिर मैंने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट की, यार ये तुम लोगों ने बाद में देख लो कि मेरी ख्वाहिश है, मैं भी देखना चाहता हूँ इस फनकार को. और मैं जब अंदर गया तो सीटें नहीं थी, मैंने खड़े होकर आपके शो देखा था. सर मैं उस खड़े होने पे आपका शुक्रगुजार हूँ और खड़े होकर आपका जाते होगा शुक्रिया करूँगा. नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आप आए थे, यही बड़ी बात थी. एक चीज और उमर भाई, एक चीज और, मैं आपको मैं बहुत कम प्रोग्राम्स में जाता हूँ. मैंने आपके पैसे तो नहीं देने? नहीं वो फिल्म का एडवांस वो मैं मुझे अब आपने रोक दिया, मैं अब क्या करूँ. अच्छा चलो चलो वो प्रोग्राम के बाद डिसाइड करते हैं. एक चीज और, आज हम खैर नफरतें नहीं होनी चाहिए, बड़ी अच्छी आपने इंडिया पाकिस्तान की जो भी नफरत है अल्लाह ताला इसको ख़त्म करे. हम तो हम अमन पसंद कौम है और हम चाहते हैं कि मोहब्बतें हों, लेकिन कोई अगर मैली नज़र से देखे तो हम जानते हैं उनको उसके घर पहुंचाना भी. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं आज जो सरहद पार उनका जो कपिल का शो होता है वो जो भी कर रहा है, मैं ये चीज़ दावे से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी एक एक लाइन, एक एक जुगत जिसे कहते हैं, एक एक लाफ्टर, वो सब अल्लाह के बाद इनकी बदौलत है जो इन्होंने लिखी. वो घोल घोल के नहीं जिसे कहते पिया हुआ, वो मेरा शागिर्द है. बिल्कुल. और वो मेरा शागिर्द है. मैं गई उस शो पे और उन्होंने आपका जिक्र भी किया. नहीं वो हाँ मेरा शागिर्द है. बिल्कुल जी. वो मैं उसमें जज था जिस शो में वो आया फाइनल, तो मैंने उसको अवार्ड में फाइनल किया कि ये विनर है. तो उसके हाथ पे धागा बांधा, अक्षय के बांधा, गोविंदा के बांधा, जॉनी लीवर के बांधा. मैंने 17 शागिर्द थे मेरे इंडिया में जिन पे मैंने हाथ पे धागा बांधा. आज मैं और मोमल भी धागा बनवा के जाएंगे, बनवा के जाएंगे. आज से रीड डाले, धागे बांधे. जो अंदर है ना उमर चेरी, वो बगैर धागे आपसे प्यार करते. क्या बात है, थैंक यू. आपके धागे बगैर प्यार. और हकीकत है मैं अपने मुल्क से ज्यादा बाखुदा सरकार दो आलम जहाँ है उसको तो अदब की नजर है मेरी. बेशक बेशक. लेकिन प्यार भी है, अदब भी है, दोनों जहाँ है. मगर जो प्यार है वो पाकिस्तान की मिट्टी से ही है. और यही वजह है कि किसी मुल्क में अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद फिर भी नहीं जा. शिफ्ट ही हूँ. बिल्कुल बेशक, ऐसे ही है. और रहना यही. बिल्कुल रहना ही. बाकी में भाई मैं आपको बताऊं कि मैं जब थी इंडिया में कि दो तीन शोज जहाँ पे भी मैं गई थोड़ा सा प्रमोशंस के लिए, इतनी तारीफ़ें कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि लाइक लिटरली उमर भाई आपके लिए इतनी तारीफ़ें हैं वहाँ पे दैट कि वो हमारे लिए प्राउड. मैं तो लाइक लिटरली आप लोग हमारा प्राउड है. आप मैं तो खैर अपनी ज़िंदगी को इस पर लगा चुका हूँ कि पाकिस्तान. मैंने अभी एक कश्मीर में फिल्म बनाई है बाबर. अच्छा. मैं आपको दिखाऊंगा. बिल्कुल. मैं मोदी के लिए फिल्म बना रहा हूँ. नहीं बड़ा जरूरी था वो कि मोदी को दिखाओ कि पाकिस्तान जिसे तुम ये समझते हो, ये पाकिस्तान के लोगों का तुमने नफरत शायद तुम्हारे दिल में है, निकालो और प्यार से देखो. सही तो ये कौम तो अपना दिल निकाल के रखने वाली कौम है. हमसे वो प्यार तो करेगा, कोई प्यार ही नहीं करता. बेशक. हमसे कोई प्यार नहीं करता. कोई लड़का बजाता है ऑर्गन, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ कि टैलेंट ये नहीं करता. ये मुझे क्यों आप नहीं करते? नहीं नहीं मैं ऐसे करता हूँ. मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन जा न्यू कर लगे भाई, मैं यही खुश हूँ. अच्छा अभी आपने कहा कि आप शोज में नहीं जाते और मैं आपसे पूछना भी चाहती थी कि आप क्यों नहीं शोज में आते. मैंने आपके इतने इंटरव्यूज नहीं देखे, क्यों? दरअसल एक तो मैंने पहले बताया, उमर भाई को भी पता है कि मैं पिछले 5-6 साल से एक पंजाबी चैनल पे वैसे मॉर्निंग शो देखती हूँ जी. वो मॉर्निंग शो करते हैं और उसके अलावा पता नहीं मैं शायद बहुत ज़्यादा महफिलों में नहीं जाता. यही वजह रही है मैं कभी अवार्ड्स में नज़र नहीं आऊँगा आपको. हाँ, नहीं, आप मुख्तलिफ शोज़ में मैं आपको नज़र नहीं आता. इनको ना हो नहीं सकती इनका जहाँ जिक्र होता है. नहीं, हम तो वो हैं जब ये थैंक यू हम खड़े हो जाते हैं इनके लिए. बड़ा हम लोगों की देखिए मैं आपको बताऊँ, आप सब ज़रूरत थे, ज़रूरत हैं और ज़रूरत रहेंगे. थैंक यू. ये कोई आप पे प्यार करे कुछ करे लेकिन आपको अपनी ज़रूरत के लिए बुला रहा है जो बुला रहा है. ये सच्ची बात ईमानदारी की है. भाई मैं यूँ मैं नहीं हूँ. मैं सबसे पहले उसकी इज्जत करता हूँ जिसे मैंने बुलाया है. बेशक. मेरी इज्जत कोई करे ना करे मुझे इससे फ़र्क पड़ता है, इसलिए करें.
अच्छा जब आप आपने निर्मल के साथ भी फिल्म की ना? जी हो गई उनके साथ भी एक दो फिल्में, एक दो फिल्में हो गई उनके साथ। एक हादसा हुआ आप? जी एक में बहन बनी, एक में उन्होंने कह दिया मैं लुटी गई पंजाबी ना गाना। हाँ। गाना था वो। अच्छा। एक में वो बहन थी राजा पाकिस्तानी। उसमें और दूसरी में आपसे शिकायत कर रही है? वो शिकायत करी मैं, मैंने कहा पहले में तो बहन थी, दूसरे में वो लुटी गई, समझ नहीं आया मुझे। तो वो दोनों ही सही नूर साहब के काम थे, डायरेक्टर वो थे, किसी बहन बना दिया आगे में मुझे विलन कर दिया। आपने उसमें इतना अच्छा काम किया। जी बिल्कुल, बाखुदा बहुत अच्छा काम किया। अच्छा ये एक्टिंग की कोई हमारे एकेडमी नहीं लगा खुदा करम है ही नहीं कोई, तो इतना अच्छा अच्छा टैलेंट जो आता है अगर ये थोड़ा सा इसको अवेयरनेस मिले थोड़ी लोग और जो आना चाह रहे हैं उन लोगों को भी स्पेशल, जो अभी लड़के हैं हमारे पास लड़कियां हैं लेकिन हमारे पास कोई इदारा इतना काबिले एतमाद नहीं है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं कि आदमी उसमें जाए। बिल्कुल सही है। अब नूर साहब ने एक वो एकेडमी अपनी बनाई तो हिम्मत करे बेचारों ने, वहाँ पे काफी पैसा लगाया उन्होंने। जी हाँ बिल्कुल बनाया, उसको साइमा सीखती है वहाँ। जी हाँ, और वो दूर इतना है ना कि वो तीन बसें बदलनी पड़ती हैं जो सीखने आए तो जाए तो वापसी में वो सीखा भूल जाता है। बिल्कुल। दूसरा मैं उमर भाई ये जरूर कहूँगा, आपने कहा ना कि टैलेंट की कमी नहीं है, तो हमारा भी फर्ज बनता है जो जितने भी हैं अपनी जितने प्रोडक्शन हाउस हैं नए लोगों को काम दें। जैसे जैसे मेरे उस्ताद हैं सैयद नूर साहब, मैंने बहुत सीखा है उनसे। आपने खुद कहा इसमें कोई शक नहीं साइमा जी बहुत बड़ी स्टार हैं और मैंने उनके साथ बेतहाशा फिल्म की है, लेकिन हमें टैलेंट एक जगह रोक नहीं देना चाहिए, उसको आगे प्रमोट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो बाकी लोगों को भी हमें मौका देना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा। नूर ने काफी लोगों को मौका दिया, नूर में है ये। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने नूर की मेल मेल के हवाले तक ठीक था, फीमेल में फिर वो फुल स्टॉप हो गया। वो भी मेरी फिल्म जो थी हिसाब, वो भी नूर की लिखी हुई है। हाँ मैंने पहली फिल्म उसी की लिखी हुई की हिसाब, नूर की लिखी हुई है। नूर मुझे जब मिले थे तो एक आर्टिस्ट थी उनका क्या नाम था यार? नहीं वो आपके दौर की होंगी मुझे याद नहीं। नहीं अच्छा, अच्छा। मेरे दौर की, मेरे दौर की, मेरे दौर की। उनका नाम आपने ठीक कहा ना, ठीक कह दिया। नहीं थी मतलब वो डेथ हो गई। अच्छा अल्लाह रहम करे, इसलिए मुझे नहीं पता। उन्होंने मैडम मौरी एक ड्रामा किया था, उनके साथ मिला था मैं सैयद नूर से। अच्छा। बहुत बहुत खातून, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। तो नूर उस वक्त लड़का था बहुत। अच्छा। कराची में ठहरे जबीस होटल के अंदर और मेरी मुलाकात हुई, और उसके बाद से मेरी उससे मुलाकात ही नहीं। पता है नूर के चेहरे में एक बात है, आदमी का उससे लड़ने को दिल नहीं चाहता है ना, उसमें नाइस सा लुक है, नफीस आदमी है। जैसे नईम बुखारी साहब के चेहरे पे है ना एक मुस्कुराहट होती है तो बंदा कहता है यार इससे दिल में भी कोई इख्तलाफ है तो खत्म कर ले। सही बात है। नहीं भाई अगर शो देख रहे हैं तो मैंने आपको बुलाना है और सलाम कबूल करें मेरा। बिल्कुल। तो ये बहुत मेरा, मैं मेरे फेवरेट लोग होते हैं ना, मैं उनके लिए इजहार करता रहता हूँ अपना। बिल्कुल। फिर एक लम्हा बाबर ऐसा जिंदगी में आता है। मुझे पता है क्या है। अब जो लम्हा है वो लम्हा हम बगैर पॉज के कहते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक ब्रेक। मैं कॉलेज जाऊंगी, बस मैंने कह दिया है। आप तो कॉलेज नहीं जाएगी। नहीं जोरा मेरी है, तू कद ली कह रहे हैं कर जाएगी। नहीं नहीं ब्रेक लगी ना। नहीं भाई जब ब्रेक लगी थी भाई जी मैं कैमरा। अच्छा सॉरी मैंने ब्रेक लगा ली। कैमरामैन हूं। अच्छा सॉरी सर कैमरामैन हूं। मैं सजा सजा के आपको पेश करता भाई। अच्छा सॉरी सर मैं कैमरामैन हूं। माफी चाहते हैं। मैं तोड़ा आपस से भी रिश्ता की है, इस तरह कले बह के कहां जा रहे हो? ओए होली वोटी है मेरी। कौन है तेरा हस्बैंड? अभी शादी होनी है, अभी अभी तो होनी है। अभी तो होनी है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम वापस आए हैं ब्रेक से और अजीब सी बात हुई, मैं भूल गया ब्रेक वहाँ मुझे कुछ देर पहले लेनी थी लेकिन जहन में रहा नहीं, तो अब ले ली थी जैसे ही
बिल्कुल, दो होस्ट भी बैठे हैं एक्टर के साथ साथ, इन्होंने भी होस्टिंग की भी है, मैं भी कर रहा हूँ अभी। आप तो मुसलसल कर रहे हैं, क्या करें फिर, आप 7-8 साल हो गए आप करते हो। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और 20 साल हो गए अल्लाह करे। थैंक यू वेरी, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा जब शो बन जाए तो उसको करते रहना चाहिए। सही बात है, अल्लाह ताला उसमें बरकत देते रहे। आमीन आमीन। और अब एक सिचुएशन ये है कि प्यारी सी बच्ची जो हमारी बैठी है, और हमारी बच्ची है इसलिए कि हमारे दोस्त की बेटी है, तो फिर हमारी तो बच्ची है ना, लेकिन सिचुएशन तो फिर सिचुएशन है। बिल्कुल, सिचुएशन ये है कि आप समझ लें लंडा बाजार के गुंडे हैं बाली, वो सिचुएशन ठीक है, वो टोन, वो एक्सपेक्ट, क्या बात यार, मैं तो उसके लिए ताली बजा रहा हूँ, क्या बात। और आपने ने दोनों आप जा रहे हैं हाईवे पे, सपोज चल मोटर में है, ट्रैफिक वाला ने आपकी गाड़ी रोकी, लेकिन आपके ऊपर तो उस वक्त ये जिद सवार है कि मैंने इसके साथ शादी करनी है, वो जो आपका किरदार है वही बोल रहा हूँ मैं, यही है ना, वो जिद लगाया है मोहल्ले की लड़की, तो ये जोरा है, ये जोरा है, बाली हूँ ये, आप मावरी है, और ये जिद कर रही है मैंने अभी शादी नहीं, अभी पढ़ना है, अभी पढ़ना है, ठीक है, ओके, यही सीन चल रहा है, ठीक है, और मैं ट्रैफिक वालों से गाड़ी रोक ली है, ठीक है, और आपसे मेरी गुफ्तगु, ठीक है, ठीक हो गया, स्टार्ट करेंगे कैमरा ऑन, कैमरा ऑन करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ये लेफ्ट वाली गाड़ी कहाँ से आ गई, ये चलो, ये तो जोरा जोरा चला रही है, मैं चलाऊंगी, चलो हाँ ठीक है, अच्छा मैं चलाऊं, आप इन्हें चलाने से, इनका चलाने में वो आप तो बैठी हुई है ना, मतलब हाँ ठीक है, चलें बस हम वापस लेफ्ट वाली गाड़ी है, ठीक है, ये जरा मूंछों पे, जरा उसमें बाली में ऐसा था, यस चलें, यस, 1 2 3 कैमरा, कुछ बोलने नहीं है आप गुस्से में बोलना, कुछ बोल नहीं रही, बोल जोरा, मैंने कहा फोन को छोड़, आज के बाद तू कॉलेज नहीं जाएगी, क्या कैसे नहीं जा सकती कॉलेज, मेरी सारी सहेलियां वहां पे हैं, मुझे पढ़ना है अभी, मोहल्ले में मना रहे सहेलियां मैंने कहा ना आज के बाद तू कॉलेज नहीं जाएगी, बट क्यों नहीं जा सकती, ओ 16 तूने पढ़ी है, 4 मैंने, 20 से गुजारा हो जाएगा मैं कॉलेज जाऊंगी, बस मैंने कह दिया है, अब तो कॉलेज नहीं जाएगी, नहीं जोरा मेरी है, तू कदली कह रहे हैं कर जाएगी नहीं नहीं ब्रेक लगी ना, नहीं भाई जब ब्रेक लगी थी भाई जी, मैं कैमरा, अच्छा सॉरी मैंने ब्रेक लगा ली, कैमरामैन हूं, अच्छा सॉरी सर, कैमरामैन हूं मैं, सजा सजा के आपको पेश करता भाई, अच्छा सॉरी सर, मैं कैमरामैन, माफ भी जाते हैं, मैं रिवर्स ले लेता हूं गाड़ी यार, तू सच्ची मुझे, सॉरी सर, मैं गुंडा बना हुआ, सुबह से 2 लस्सियां पी चुका मेरे से यार, मैं माफ भी चाहता हूं, मैं रिवर्स, मैं रिवर्स ले लेता हूं सर, दोबारा टेक 2, एक मिनट रे यार, रिवर्स को गाड़ी है, रिवर्स ले लेता हूं, अच्छा ओ भाई दोबारा वो समझ गया, ठीक है, हाँ स्टार्ट साउंड कैमरा, ये क्या हुआ भाई जान, ये कैमरे की आवाज, अच्छा सॉरी, अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री वाले, तेल नहीं पड़ा बस, तेल नहीं पड़ा, हाँ वैसे ऐसे ही थे, ओ अल्लाह ये क्या, मुझे नहीं करनी शूटिंग, ये कैमरे की आवाज कस के आ रही है, अच्छा कस ज्यादा दिया हमने, अच्छा कस दिया, अच्छा कौन से जमाने का कैमरा है ये भाई जान, आगे बंद कर देता हूं इसको, बंद कर देना, म्यूट पे कर दे, नहीं नहीं पेज दबाए ना, कसाई की आवाज है, कसाई ना, हाँ ठीक है, चल मैं बिल्कुल म्यूट कर दूँ, बिल्कुल ही, ये केड़ा म्यूट है, अच्छा ठीक है, जोरा सुन लिया ना तूने, अब तू कॉलेज नहीं जाएगी, आज के बाद तू कॉलेज नहीं जाएगी, अब तू स्कूल जाएगी तेरे बच्चे कॉलेज आगे जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, बच्चों तक पहुंच गया हूँ, इसने मुस्तकबिल बना लिया ना, आगे फ्यूचर देख रहा है, सही है। बाली अब
फ्यूचर देख रहे हैं आगे, तेरे बच्चे अगले शाप पे एक तंबू मिलेगा आपको, उसमें आप रुक जाएंगे, उस तंबू में आपके बेटे की शादी हो रही है। आगे सिचुएशन चला, ये ज्यादा ज्यादा तरक्की कर गए। अच्छा 500 एपिसोड हो गए। हाँ ठीक है, आगे हमारे बच्चे का ब्याह हो रहा है सोरा। तंबू में मैंने कहा ना आगे तंबू लगावा है। अच्छा ओ सोरा तू भी बोल सारे डायलॉग मेरी आए। आपका आप आप तो से मेरा इधर भी तो करें ना फोकस थोड़ा कर रहे हैं। हां है क्या हो गई थी मैंने क्या शादी की बातें बच्चों की बातें फिर उनके उनकी शादी की बातें पागल तो नहीं हो गया। हां क्या हो गया है आपको कैसी बातें कर रहे भैया हमारी शादी की बातें फिर बच्चों की शादी की बातें जरा थोड़ा धीमे जरा आहिस्ता सेकंड गियर पे रखें गाड़ी सोलो शॉट ही चल रहा है ना। शादी को सेकंड गियर में डाले शादी को सेकंड गियर में डाले निकल पड़े फोर्थ गियर में। और वैसे भी मैंने अभी पढ़ना है आपको पता नहीं इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं अब नए जमाने में सब कुछ फोन पे भी होता है। मैंने सोच लिया मैं डॉक्टर बनूंगी। हाँ और मैंने सोच लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगी और तेरा इलाज करूंगी और तुम्हारा इलाज करूंगी। नहीं नहीं ये तो बदमाश है ना भाई। हाँ बदमाशी का इलाज करना। अच्छा बदमाशी तो ये पुलिस कब आएगी? अभी आ रहे हैं। अच्छा पुलिस भी तो आए ना। आ रहे आ रहे। और मैं डॉक्टर बनूंगी और डॉक्टर बनने के बाद तुम्हारा इलाज करूंगी। भाई इसमें ब्रेक बनती है लगा लूं। हाँ थक गया ना ये लग गई ब्रेक ब्रेक और यही मैं सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी मैं शायद इंग्लिश बोलूंगा या समझना आया था हाथ उठा देना। कौन है? मैं जी आम ट्रैफिक पुलिस फ्रॉम हाईवे फुल फ्लैश SHO विदाउट वर्दी जस्ट बिकॉज ऑफ कागजात का मुकम्मल होना जरूरी है। वेयर इज योर लाइसेंस? आई नीड योर लाइसेंस। तुहाडा गड्डी चलाना तुहाडा गड्डी च बैंदा बैठने का भी लाइसेंस भाई साहब ये बैठने का कौन सा लाइसेंस होता है? मैं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा आप मुझे ना बनाए। चलो आप आपके पास तय कर लेता हूँ। हाँ भाई जी कब से गाड़ी चला रहे हो? तेन पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं नहीं पता खुदा दी कसम मैं बाली बाली एक कल्ला दी बाली नहीं बाली बदमाश। ये बाजी ठीक है बदमाश का भी लाइसेंस होता है। एक कड़ा लाइसेंस है और पूरे पंजाब ते मेरी बदमाशी चल दी है। ते बदमाशी चल दी है ते मेरे बड़े प्रादियां वैगना चल दी है। अच्छा, अच्छा। यार खुदा दे बंदा मैंने लाइसेंस दिखाओ तुसी अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ तुहाडा आपस दे विच रिश्ता की है? इस तरह कले बह के कहां जा रहे हो? लै ओए होली वोटी है मेरी। कौन है? ए तेरा हस्बैंड है? अभी शादी होनी है अभी अभी तो होनी है। ए छापा पा सकदा अभी तो होनी है अभी तो होनी है। ये किस किस्म का सब्जेक्ट है? ये क्या क्या स्क्रिप्ट है? ये केड़ा पुलिस वाला है? केड़ा केड़ा कैरेक्टर मिल रहा है। हां हां सही बात है। सब्जेक्ट तो नाल ही मुड़ता जा रहा है। हां मतलब टर्न हो गया। अच्छा हां तो बात कहीं मुक्ति है रिश्वत रिश्वत पे मुक्ति ही ना। अच्छा अच्छा भाई मुकाएंगे। अच्छा भी हां हां जी तो शादी का मसला है पढ़ने नहीं दे रहे मुझे। और मैंने इसे कहा 16 इसने पढ़ी है 4 मैंने 20 से गुजारा होता है तो गल मुक्ति नहीं। पर मुझे तो डॉक्टर आजम कह रहे हैं पढ़ा लिखा पंजाब तो तू उन्हें पढ़ा नहीं दे रहा। मुकाबले कितने मारे जाना बेचारी का की होना ए सोच और रहम कर वो जालमा और रहम कर ए मेरे हाथ नु वेख तू उन्होंने छड़ दे मेरे पैर नु वेख कुड़ी लभदे लभदे किस गए ने पैर। मैं क्या पुलिस वाला बन ओदा प्यो ना बन तरले पा रहा बाली तरले पा रहा मेरे तरले नु समझ ले अकल कर। बाली रोएगा? नहीं रोएगा दिल था ना उसका। नहीं नहीं अच्छा बाली हां नहीं आंसू नहीं देख सकता लड़की को यहां छोड़ेगा। ठीक है छोड़ दिया भाई ला भी छोड़ेगा छोड़ेगा पहला छोड़ेगा क्यों? ये क्या स्क्रिप्ट हुआ? लड़की छोड़ देगा?
मेरे दोस्त की बेटी है, मैं घर छोड़ूंगा। आप इस वक्त जनता के पास बैठे हैं, ये वो जनता है जो फुल मेकअप में आई हुई है। आप अपने ज़माने के बहुत खूबसूरत हीरो थे और काफ़ी सारी हीरोइनें आपके आसपास थीं, और आप अगर उनमें से किसी एक से शादी करना चाहते हो तो किन से करते हैं? इनमें से तो मुझे नहीं लगता मैं किसी से करता, वैसे बातों की हद तक थी, शादी तक नौबत नहीं पहुंची। नहीं, इस टाइप के आदमी नहीं है। ये जानते हैं, उमर भाई को पता है। बहरहाल यार, आप तो सिचुएशन में मतलब तो इशारों में मिनटों में कौन समझता है? हॉलीवुड के आर्टिस्ट ले आए, आप उसको बोले भाई अभी कैमरा ऑन है, सीन करें, मेरा ख्याल है वो बोलेगा मुझे 6 महीने दे दो। मुझे इसका कोर्स करके आना है, ये करेक्टर देख के आना, ऐसा नहीं होता। ये इसी मुल्क के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिस वक्त को राय साहब का मेरे साथ ऐसी शूटिंग हुई है, ऐसे कोक पी रहे हैं, ऐसे बोतल पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और वो रन आउट हो गए मैगजीन। हाँ, हो जाती होती हो जाती ये पंजाबी रन आउट हो जाती ना, वहाँ पे होता है ना पिंडों में, वहाँ में और वो शूटिंग कर रहे हैं। आखिरी चीज सुरंजू जा रहा है, वो एकदम वो रील भी खत्म हो गई, वो भागा बंदा लेके जब काले से कपड़े में जादू करके वो करके ले आया, और उन्होंने कहा स्टार्ट राय साहब ने, और मैंने ऐसे बोतल फेंकी गड़म, अब ऐसे आर्टिस्ट कहाँ से लाएंगे? क्या बात है, कहाँ से लाएंगे? क्या बात है, ये नहीं होता। तो बहरहाल आज का सबसे हसीन लम्हा वो होता है, मैं समझता हूँ बाबर अपनी ज़िंदगी का सरमाया समझना उसे, कि जब तुम्हें ये यकीन हो जाए कि जो तुमसे बात कर रहा है वो वाकई में तुम्हारी इज्जत करता है और तुम्हारे लिए अपने दिल में प्यार रखता है, बेशक, बेशक। उस आदमी को कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ऐसे लोग जो ना बहुत कम। हम रूहे सफ़र हैं, हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान, फिर किसी नए नाम से आ जाएंगे हम लोग। तो इनको मालूम था बाबर अली आ रहे हैं। तो बाबर अली साहब अच्छे खूबसूरत चेहरे पसंद फरमाते हैं, तो ये बैठे हुए सामने अभी ये आपसे कुछ सवालात कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी प्लीज, लोगों प्लीज। के लिए कि बाबर और मोमल साथ बैठे हुए हैं। मोमल की इज्जत सबसे बड़ी ये है कि ये मेरे दोस्त की बेटी है और मेरी भी बच्चियों की तरह, बिल्कुल। और यहाँ हम जो मेहमान है वो भी हमारे इंतहाई काबिल एहतराम है। दो सवाल ख़वातीन कर सकती हैं, दो मर्द कर सकते हैं। तो पहले ख़वातीन से शुरू करते हैं, आप जो पूछना चाहते हैं तहजीब के दायरे में आप पूछ सकते हैं। मैं बाबर अली से सवाल करना चाहती हूँ कि आप अपने ज़माने के बहुत खूबसूरत हीरो थे और काफ़ी सारी हीरोइनें आपके आस पास थीं, और आप अगर उनमें से किसी एक से शादी करना चाहते हो तो किन से करते हैं? अच्छा, आपने अभी एक तो थी आपने लगाया, उस वक्त थी, इस वक्त भी हैं, नसीब तो अभी भी बैठी हुई है। बात शादी की आती है तो शादी एक इंतहाई पर्सनल फैसला होता है, ऐसा नहीं है, अफेयर्स होते हैं और अफेयर्स में कभी रियलिटी होती है कभी नहीं होती, और नाम उमर भाई ने भी बहुत काम किया है, नाम जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ जोड़ियाँ आसमानों में बनती हैं, और जहाँ जोड़ी बननी थी वो कई समंदर पार बनी, और कुवैत से मैं अपनी दुल्हन लेकर आया तो वो बन चुकी है। तो किन से करते आप? इनमें से तो मुझे नहीं लगता मैं किसी से करता, वैसे बातों की हद तक थी, शादी तक नौबत नहीं पहुंची। नहीं, इस टाइप के आदमी नहीं है। ये जानते हैं, उमर भाई को पता है। मेरा नाम रईसुद्दीन सिद्दीकी है और मैं प्रीवियसली गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ बॉयज सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल रहा हूँ। ये बाबर मेरे स्कूल से पढ़े हुए हैं, इन्होंने वहाँ से मैट्रिक किया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जानते हैं, मैं अभी तारुफ तो पता नहीं, दाढ़ी इन्होंने रख ली, बिल्कुल सर बोलिए कंप्लीट कीजिए जी। और हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स डे हम करते थे, बिल्कुल, उसमें बाबर अली ने मेरे प्रिंसिपल्स का रोल अदा किया था। मैंने इसीलिए कहा कि ये अदाकारी वहाँ से इन्होंने शुरू की, और हकीकत है कि उस दिन वो स्कूल किस चीज़ का था? मैं थोड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। अच्छा। और ये मैट्रिक के स्टूडेंट थे।
और मैट्रिक का स्टूडेंट्स ही प्रिंसिपल बनता है, तो ये प्रिंसिपल बने थे और उनको पूरी अथॉरिटी थी, कोई प्रिंसिपल ना था, टीचर्स भी सारे स्टूडेंट्स बने थे, पीओन हर चीज़ कि वो जो एक दिन की हुकूमत है इनकी जो कुछ करें। तो बाबर अली ने एक न्यू एडमिशन कर दिया था, क्योंकि मेरे स्कूल में एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता था, इन्हें पता है, और बाकायदा फॉर्म भरा के फीस ले ली। दूसरे दिन मुझे पता चला, क्योंकि मैं तो था नहीं उस दिन स्कूल में, इनके हवाले किया हुआ था, मैंने फिर वो एडमिशन ग्रांट कर दिया था। मैं सर मैं बताता हूँ, आप आपका सर नाम क्या है, नाम क्या है आपका? शाबाश, मेरा रईसुद्दीन। रईसुद्दीन, वाह, रईसुद्दीन साहब मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे एक दिन की हुकूमत दी गई, मैं सिलेक्ट हुआ कोई 300 लड़कों में, मुझे प्रिंसिपल बनाया गया। तो मुझे जब बन गया तो मैंने वो, मुझे पता था कल मैंने प्रिंसिपल बनना है, तो मैंने अपने रिश्तेदारों में, मेरा एक रिश्तेदार वहाँ बच्चा भी था, तो उसको मैंने बोला कल अम्मी अबू के साथ आना, मेरी एक दिन की हुकूमत है। वो सुबह की शिफ्ट में जाना चाह रहे थे और मैंने साइन कर दिया प्लानिंग करके जी, फिर इनको करना पड़ा। सही आप भी नहीं और गलत ये भी नहीं वो हो गया, इन्होंने फिर प्रॉपर साइन किए। चलो माशाल्लाह अच्छा हो गया, दाखला बच्चे का हो गया, तालीम का मामला, तालीम का मामला जी, बिल्कुल। आपकी फिक्र को महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, यही है वो तख्त जिस पर बैठकर राजा दायर खुदाई दावे करता था, मगर आज ना वो तख्त है ना वो दावेदार। अल्लाह की जमीन को हिर्स व हवस का मक्तल बना देने वालों, कहां हो तुम, बोलते क्यों नहीं, है कोई और? कोई हमान, कोई शद्दाद, कोई नमरूद, कोई फिरौन, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं बाबर साहब आप? जी बिल्कुल ठीक। मेरा मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि प्लीज, आपने अपने लाइफ के करियर में बहुत सारे रोल्स प्ले किए और उसमें आपने मोहम्मद बिन कासिम का भी रोल प्ले किया, तो उसमें आपको क्या डिफ़िकल्टीज पेश आई वो रोल प्ले करने में, प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा, और अगर हो सके तो एक डायलॉग भी प्लीज़ हमसे हमें बताएं। सबसे बड़ी खुशनसीबी थी मेरी, जब मैं सिलेक्ट हुआ तो मुझे खुद नहीं पता था मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। लंबे मेरे बाल थे, अम्मी बकायदा पोनी बनाती थी, काफ़ी लंबी चोटी थी मेरी, और उनको गेटअप भी ऐसा ही चाहिए था, एक तारीखी मेरी खुशनसीबी मोहम्मद बिन कासिम बना। और मेरे जब डायलॉग दिए गए तो मुझे आज भी याद है, मुझे सुनने के लिए तकरीबन पूरा पीटीवी जमा था कि इस लड़के ने ऑडिशन देना है। कासिम जलाली साहब बैठे हुए थे, हैदर इमाम रिजवी साहब, काजिम पाशा साहब, कासिम जलाली साहब के डायलॉग जी, बिल्कुल उन्होंने डायरेक्ट किया था, कासिम जलाली साहब ने। तो अगर मैं ये कहूँ कि 300-400 बंदा था तो गलत नहीं होगा। मुझे एक डायलॉग दिया गया और वो डायलॉग मुझे आज भी याद है, जो मैंने फिर प्ले में बोला, तुमने देखी ज़माने की बेवफाइयाँ, ये मेरी ज़िंदगी का पहला डायलॉग था। यही है वो तख्त जिस पर बैठकर राजा दायर खुदाई दावे करता था, मगर आज ना वो तख्त है ना वो दावेदार। अल्लाह की ज़मीन को हिर्स व हवस का मक्तल बना देने वालों, कहाँ हो तुम, बोलते क्यों नहीं, है कोई और? कोई हमान, कोई शद्दाद, कोई नमरूद, कोई फिरौन, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। तो आज भी याद है मुझे, सुभानअल्लाह, बहुत जान। इन्होंने इतना खूबसूरत किया मोहम्मद बिन कासिम के, लगे यही कि ये, मुझे तो लग रहा था कि यही मोहम्मद बिन कासिम है। नहीं ये नहीं, ये नहीं है, ये बात भी नहीं है। अच्छा आप एक खातून ने सवाल ले, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वाल साहब, मेरा नाम नायला हसन है और मैं एक सवाल मोमल जी से करना चाहती हूँ। करें करें। मोमल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमल जी प्लीज मुझे जी मत बोले वो ऐसा लगता है खाला जी। मोमल 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 मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ज़्यादा मैं आपसे इम्प्रेस हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। आप इतने शोज़ करती हैं, मॉडलिंग करती हैं, मैं सिर्फ एक ही सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने घर को किस तरह मेंटेन करती हैं और किस तरह आप टाइम देती हैं अपने घर को? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट औरत को करना होता है, मुश्किल है बहुत,
लेकिन अगर आपको किसी चीज़ से प्यार हो, जो कि आप फैमिली से तो आपको है ही है डेफिनेटली, अगर आपको काम से भी उतना ही प्यार हो तो आप अपना टाइम उसी हिसाब से निकाल लेते हैं. लाइक लिटरली काम का भी टाइम मिलता है मुझे, मैं अपने ससुराल में भी टाइम दे पाती हूँ, अपने बच्चे को भी देती हूँ, अपने हस्बैंड को भी देती हूँ और अपने पेरेंट्स को भी देती हूँ. उन सब के ऊपर मैं अपने दोस्तों को भी टाइम देती हूँ. तो पता नहीं कहाँ से टाइम आ जाता है, लेकिन सबको टाइम देती हूँ. क्योंकि आपने दिमाग में सोचा हुआ ना. नहीं, मैं लिटरली देती हूँ, लाइक लिटरली. और जो खवातीन जो एंकर्स मॉर्निंग शोज करती हैं, मैं उनको सच्चे दिल से सलाम करता हूँ. उनकी हिम्मत है कि वो करती हैं, बड़ी हिम्मत की बात. सही बात है, बहुत टफ जॉब. घरेलू जिम्मेदारियां, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद खुद वहाँ जाना, फिर वो सारा करना, फिर वापस आना, दोपहर का खाना, और फिर वो पता नहीं कैसे रह. बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. बहरहाल आज के शो में मैं जिस बात से खुश हुआ वो इन दोनों की बातों में बनावट नहीं थी, एक इनकी बातों में सच्चाई थी जो इनके चेहरे पर भी थी. अपनी पूरी टीम का, महबूब अशरफ ऑर्केस्ट्रा का, जो हो कोच जलील गजल का, और अपने तमाम गेस्ट जितने बैठे हुए इनका, और आपका, और आपका बेइंतहा मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाल के इस शो में आए, इस शो को इज्जत बख्शी, मुझे आपने इज्जत दी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. दिल की गहराइयों से कहिए, जिस चीज से हम जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद. धन्यवाद. चल चलिए दुनिया से रोसे नुखड़े, जिसे बंदा न बंदे की साहत होवे. हर दिन होवे साडा ईद भरदा, हर रात साडी शब रात होवे. सेला करी बागा दे विच चलते हुण फुवारे, आसे पासे फेण फुवारा पिछे हुण नजारे. दिल कंबदा होवे फुल हिलते होवन, ना कहण वाली कोई बात होवे. चल चलिए दुनिया.